भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज एक ऐसा ही नाम है, श्री राजेश पायलट। बेतकल्लुफ अंदाज में राम राम सा बोलकर लोगों को अपना बना लेने वाले राजेश पायलट। श्री राजेश पायलट एक जांबाज पायलट, समर्पित जनसेवक और महान नेता। एक ऐसी शख्सियत जो देश के कमजोर और पिछड़े तबके का सहारा बने। एक ऐसे मार्गदर्शक जिसने कमजोर वर्ग की ताकत को पहचाना, उसके लिए सत्ता प्रतिष्ठानों के बंद दरवाजों को खोलने का काम किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का साहस दिया। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दी और कामयाबी की नई इबारत लिखी। हर कठिनाई को पार करके जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने वाले वीर सपूत का नाम है राजेश पायलट। इस बेमिसाल शख्सियत की कहानी को शुरू से समझने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। वैधपुरा देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बसा है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे चलती है। इतनी सुबह सुबह भला कौन हो सकता है? अरे कौन है, कौन है भाई? इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीटे जा रहा है। दरवाजा खोलो बलदेई। मैं जयदयाल। आप? हाँ मैं। सब ठीक तो है ना? ना कोई चिट्ठी ना पत्री, अचानक से घर चली है। कितने दिन की छुट्टी लेकर आई हो? ठहर जा भगवान, सारे सवालों के जवाब दूंगा। थोड़ा पानी तो पिला दे। हाँ अभी लाती हूँ। अब मैं फौज से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर आ गया हूँ। ये क्या कह रहे हो जी? पेंशन लेकर आया हूँ। हाँ अगर मैं कोई अफसर होता तो कुछ साल देश की सेवा और करता, लेकिन अब यहाँ गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और अपने राजेश्वर को बड़ा अफसर बनाएंगे। राजेश्वर है कहाँ? वो सो रहा है। ठीक है, कुछ खाने में है? हाँ हाँ है ना। जल्दी ले आ। हाँ, जल्दी ला। ये लीजिए। दाल तो बड़ी अच्छी बनाई है। और गांव बस्ती में सब ठीक है? सब लोग ठीक हैं, सब आपको बहुत याद करते हैं।
राम राम चाचा। अरे राम राम जयदयाल। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, अरे बैठो। अरे फौज से छुट्टी कब आए? छुट्टी क्या चाचा, अब तो फौज ने पेंशन देकर भेजा है। अब तो मैं यही रहूंगा, खेती बाड़ी करके परिवार जो पालना है, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मेरी जिंदगी का बस यही एक मकसद है। ठीक कहा भाई, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए और उनके अच्छे पालन पोषण के लिए ही माँ बाप दिन रात खेतों में काम करते हैं। अच्छा चाचा, जरा खेत पर जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, जरा देखूँ क्या हो रहा है। आओ भैया, हम चलते हैं जरा खेत। राम राम। राम राम। राम। फौज से रिटायर होने के बाद जयदयाल की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर परिवार का पालन पोषण करना। उनकी आंखों में तो बेटे के लिए बड़े बड़े सपने पल रहे थे। जयदयाल चाहते थे कि बेटा राजेश्वर बड़ा होकर उनका सपना साकार करे। वो राजेश्वर प्रसाद को फौजी अफसर बनाना चाहते थे। बेटा। हाँ दादा। ये खेत, ये धरती, ये हमारी माँ है। वो कैसे दादा? वो ऐसे बेटा कि हम किसान धरती का सीना चीर कर उसमें बीज बोते। अच्छा। और धरती माँ हमारे लिए अन्न के भंडार भर देती है। अच्छा दादा। बेटा हमारी कुछ उम्र तो फौज में बीत गई और बाकी की खेती बाड़ी करने में धरती माँ के आंचल में बीत जाए, लेकिन तू मन लगाकर पढ़ना, क्योंकि तुझे फौज में बड़ा अफसर बनना है। दादा दादा देखो रेल। दादा मुझे भी रेलगाड़ी में बैठना है, बताओ ना मैं कब बैठूंगा। बेटा जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा तो रेलगाड़ी की खूब सवारी करना। रेलगाड़ी फौजियों को सरहद तक ले जाती है और फौजी देश की सेवा करते हैं। दादा देखो रेल के अंदर मोटर गाड़ियां। बैठ जा बेटा बैठ जा। देखो मोटर नहीं, इन्हें जीप कहते हैं। जीप हमारे फौजी इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं फौज में था ना बेटा, तो मैं भी कप्तान साहब के साथ कई बार जीप में बैठा था। अच्छा ये कप्तान कौन है? बेटा कप्तान वो अफसर होता है जिसे हर कोई सैल्यूट करता है। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनोगे ना, तब तुम भी जीप में बैठना और हर कोई तुम्हें सैल्यूट करेगा। आओ चलते। पिता जयदयाल कुछ इसी अंदाज में मासूम राजेश्वर प्रसाद को अपना सपना याद दिलाते थे।